एक दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी वह सामने देखती है कि एक दूसरी चिड़िया अपने बच्ची को बहुत मार रही होती है, क्योंकि वह उसकी सौतेली माँ थी। टूनी, ओ टूनी, कहाँ खो गई तुम? जी, कहीं नहीं, आप मुझसे एक वादा कीजिए, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। और दोनों लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी अचानक से टूनी का पैर फिसल जाता है और टूनी जमीन पर नीचे गिर पड़ती है। अब टूनी को बहुत बुरी तरह से चोट आई थी, इस कारण से टूनी ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सके। अब चुनमुन चिड़ा और बेचारी टूनी की बेटी अकेली रह जाती है। चुनमुन चिड़ा अपनी बेटी को प्यार देने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्या हुआ बेटी? पापा, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। बेटा, तुम बिल्कुल फिकर मत करो, मैं हूँ ना, मैं ही तुम्हारी माँ और मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। अरे चुनमुन भाई, अब कब तक यूँ अकेले जिंदगी काटोगे? तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है और उसको एक माँ की जरूरत है, क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो। चिड़ा गौरा नाम की एक चिड़िया ले आता है, वह देखने में बहुत ही भोली भाली चिड़िया थी। गौरा चिड़िया चुनमुन चिड़ा के सामने तो रानू चिड़िया से बहुत प्यार करती, लेकिन जैसे ही वह चला जाता तो उससे ढेरों काम करवाती। जा, मेरे लिए जंगल से भोजन लेकर आ। पर माँ, मैं आपके लिए भोजन कैसे लाऊंगी? मुझे तो पापा ही लाके भोजन देती जाती है कि तुझमें एक लगाऊं। बेचारी रानू चिड़िया डर के मारे जंगल में चली जाती है। इधर उधर बहुत भोजन तलाशने पर उसे भोजन नहीं मिलता। अब वह वापस लौट आती है। आई है, माँ मैंने जंगल में बहुत भोजन खोजा, पर मुझे अकेले बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं खाली हाथ लौट आई। आहा, तुझे बहुत डर लग रहा था, तू बहुत बच्ची है ना, अब तू बड़ी हो गई है और अपना काम खुद करना सीख। ऐसा कह के उसे मारने लगती है। गौरा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम रानू का ख्याल रखना। जी, मैं तो उसका रोज ही ख्याल रखती हूँ की बेटी। जैसे ही चुनमुन चिड़ा बाहर जाता है, गौरा चिड़िया रानू को मारने लगती है। तब चुनमुन चिड़ा अचानक से वहाँ पर आ जाता। गौरा, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी बेटी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं जी, मैं आपकी बेटी को नहीं मार रही थी। तभी रानू चिड़िया अपने पिता को सारी बात बता देती है। उसके बाद चुनमुन चिड़ा गौरा को हमेशा के लिए भगा देता है और दोनों बाप और बेटी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। पापा, पापा, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, माँ अभी तक भोजन लेके नहीं आई। हाँ, अभी आ जाएगी तुम्हारी माँ। टूनी चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाती है। टूनी चिड़िया का पति बहुत ही आलसी एक कामचोर चिड़ा था, जो दिन भर इधर उधर पेड़ों पर मटर गश्ती करता रहता था, पर कभी भी अपने बच्चों के लिए भोजन नहीं लाता था। टूनी चिड़िया कुछ दूरी पर देखती है तो एक तोते का बच्चा घायल पड़ा होता है। अब टूनी चिड़िया उस तोते के बच्चे के पास आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी एक बड़ी सी चील आकर टूनी पर हमला कर देती है। अब टूनी इस हमले में घायल हो जाती है। भाई, अभी तक माँ क्यों नहीं आई है? अब डर के मारे बच्चे अपने पापा से भी नहीं पूछते और डरे सहमे अपने घोंसले में ही बैठे रहते हैं। चुनमुन चिड़ा जंगल की ओर जाता है तो देखता है टूनी मरी हुई पड़ी है और फिर अपने घर पर वह वापस आ जाता है। ये लो बच्चों, यह दाने खा लो, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं आएगी। बेचारे बच्चे यह सुनकर रोने लगे। कुछ दिनों के बाद चुनमुन चिड़ा एक दूसरी चिड़िया को ले आता है। पापा, ये कौन है? आसी, यही तुम्हारी माँ है और यही तुमको दाना खिलाएगी। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अंडे दिए। माँ, रात हो गई, हमको भी घोंसले में आने दो ना। अरे दिखता नहीं, अभी अंडे हैं और मैं भी वहाँ बैठूंगी, घोंसले में जगह नहीं है, जाओ तुम बाहर पेड़ की डाली पर ही सो। अरे हमारे घोंसले कहाँ गए, हम तो जमीन पर पड़े हुए हैं। तब वहाँ पर एक कबूतरी आती है, बेचारे बच्चे उनको सारी बात बता देते हैं। अब कबूतरी सब समझ जाती है, तब उनको वह अपने घोंसले पर ले जाती है। रानी कबूतरी के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उनको अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करने लगी। टुनटुनी
चूनी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। आंटी, हमारी माँ की बहुत तबीयत खराब है, क्यों ना हम अपने माँ और पापा को इसमें से कुछ दाने भोजन के दे आएं। तब रानी कबूतरी हंसने लगी और कहने लगी, आखिर हो तो तुम टूनी चिड़िया के ही बच्चे। बेचारी टूनी चिड़िया बहुत दयालु चिड़िया थी और तुम भी बहुत दयालु हो। जाओ, इनमें से कुछ दाने अपनी माँ और पापा को दे आओ। तब छोटे छोटे बच्चे अपनी सौतेली माँ और पापा दोनों को भोजन दे देते हैं। तब चुनमुन चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया की आंखों में से झरझर आंसू बहने लगते हैं। इस तरह आज चुनमुन चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया दोनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और पछताव के आंसू उनकी आंखों में साफ साफ दिख रहे थे। बच्चों, अब मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पर मां, आपको हुआ क्या है? मैं यूं आखिरी सांसें लेते हुए अपने बच्चों और अपनी सहेली टुनटुनी से कहती है। टुनी चिड़िया आखिरी सांस लेते हुए वही दम तोड़ देती है। माँ, आप हमें क्यों छोड़ गई माँ? तब टुनटुनी चिड़िया दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के बच्चों का माँ की तरह ध्यान रख रही थी और उन्हें किसी बात की कमी नहीं होने दी। तब एक दिन चुनमुन चिड़ा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। टुनटुनी, मेरे बच्चों को आप मुझे दे दो क्योंकि मैंने दूसरी शादी कर ली है। बच्चों को उसके साथ भेज देती है। तभी चुनमुन चिड़ा, ओ गोरा, आप तुम्हें इन बच्चों का जो करना है वो कर लो, पर मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। लो बच्चे और इनकी बलि चढ़ा दो क्योंकि मुझे अब माँ बनना है, मैं बांझ नहीं रह सकती। मैंने इनकी माँ टूनी को भी मार दिया था, अब इन बच्चों को भी मार के बलि चढ़ा दो। पर गोरा, मुझे अपने काम पर बहुत पछतावा हो रहा है। बेचारी टूनी चिड़िया बहुत अच्छी थी, हम उनके छोटे छोटे बच्चों की जान नहीं ले सकते। अरे तुम अपनी बात से फिर रहे हो। अब गोरा को उस पर बहुत गुस्सा आ जाती है, वह उसको चोट मारने लगती है। तब कालू कौआ वहाँ से भाग आता है। टुनटुनी, तुम्हारी सहेली टूनी अपने से नहीं मरी थी, ये तुम्हारे पति और उस गोरा की साजिश थी। उस गोरा के अपनी कोई औलाद नहीं है, इसलिए वह टूनी चिड़िया के बच्चों की बलि चढ़ा रही है। तुम जल्दी जाओ वहाँ पर। यहाँ गोरा चिड़िया बच्चों को मारने के लिए हथियार ले आती है। एक बच्चे को वह जमीन में गाड़ चुकी थी। तभी वहाँ पर कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया पहुँच जाते हैं और दोनों में घमासान युद्ध होता है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौआ गोरा को यूं ही घायल कर देते हैं। चोट गहरी होने के कारण गोरा वहीं पर मर जाती है। तभी चुनमुन चिड़ा आता है। ये क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता गोरा। तब वह भी ऐसा कह के वहाँ पर दम तोड़ देता है। तब कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया दोनों बच्चों की जान बचा लेते हैं। तब इस तरह टुनटुनी चिड़िया दोनों बच्चों को प्यार से अपने साथ रख लेती है और दोनों बच्चे खुशी खुशी उसके घर में रहने लगते हैं।